परिवार का स्वागत हुआ गांव के लोगों द्वारा जो कंबाइन पे बिठा के ले आए हैं। जी आवांगे जी, बदलाव जरूरी है जी इपका जी। हाँ जी भाई दिल आवांगे जी इपका जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल है उचाणा हल्के के थुआ गांव में। और थुआ गांव की अगर बात करें तो थुआ गांव के लोग आप देखोगे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी काला चेयरमैन है तो उसके स्वागत खातर मतलब काम तो शुरू होता है मतलब कम्बाइन में चेयरमैन ने जो काला चेयरमैन है निर्दलीय प्रत्याशी उसने लेकर आए हैं तो उसके स्वागत खातर पहुंचे हैं। तो उचाणा हल्के की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ देखने मिल रही है। तो कोई नामांकन भरने जा है तो बैलगाड़ी पर जा है, जिस प्रकार से थुआ गांव में आज काला चेयरमैन पहुँचा है तो आड़े है कंबाइन में बैठा कर मतलब उसमें बैठा कर और उसका स्वागत करने लग रहे हैं। किसाना का जो ट्रैक्टर है जो किसाना का जो प्रतीक है तो पहले ट्रैक्टर लगे हुए हैं और उसके बाद जो किसाना का प्रतीक है कंबाइन तो कंबाइन में काला चेयरमैन ने बैठा कर लिया लाग रहे हैं जो गांव थुआ के लोग हैं। तो आप देखोगे किस प्रकार का स्वागत करा जान लाग रहा है। तो उचाणा हल्के में मतलब अलग अलग चीज़ें दिखने मिल लाग रही है। कोई मतलब लंबा रोड शो लगा लाग रहा है, कोई बैलगाड़ी में नामांकन बन जान लाग रहा है। तो मतलब पूरा माहौल उचाणा हल्के का गरमाया हुआ है। तो मतलब उचाणा हल्के की अगर बात करें तो इस राजनीति ने लेकर आपका के कहना है तो आप उधर देखोगे कि किस प्रकार से जो काला चेयरमैन है निर्दलीय प्रत्याशी है जो उचाणा हल्के का है तो उसने कंबाइन में बिठा कर उसका स्वागत किया जान लग रहा है और गांव थुआ की तरफ ले जाया जान लग रहा है। तो थुआ के जो लोग हैं तो वो उसने बिठा कर ले आए हैं। तो अगर ये आड़े की बात करें तो मतलब माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। लोग जो भी जितने भी प्रत्याशी है तो वो मैदान में है तो कोई किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का यह चीज़ चली हुई है। तो आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार का स्वागत थुआ गाँव के लोगों द्वारा जो निर्दलीय प्रत्याशी है काला चेयरमैन है करा गया है। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। जिस प्रकार मतलब थुआ गांव वाले आपने इस पर मतलब आपका स्वागत करना तो मैं भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है और भाइयों में जोश है, नौजवानों में युवा जोश के कारण इतना स्वागत कर रहे हैं और गांव में भी जोरदार स्वागत कर रहे हैं। भाई आ रहे हैं, सारे साथ में जुड़ रहे हैं, पूरा गांव इंतजार कर रहा है। तो बड़ी खुशी है इस बात की, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चेयरमैन साहब अगर उचाणा हल्के की बात करें तो उचाणा हल्का पूरे हरियाणा में हॉट सीट बन रहा है। हाँ वोट सीट तो है, पिछले लोगों ने कुछ किया नहीं और फिर दोबारा फिर वोट मांगने आ रहे हैं, इसलिए अब की बार लोग मन बना चुके हैं कि इनको परिवारों को दोनों को यहाँ से भगाएंगे। देखो जिस प्रकार तो मतलब जो राजघराने हैं तो जो बड़े बड़े राजघराने हैं तो चुनाव लड़ने लग रहे हैं तो मतलब इस करके सबकी नज़र आ रही थी कि नहीं इस करके नहीं टिकी, लोगों की नज़र इसलिए है भाई धोखा करे इन लोगों ने, इनको क्या सबक सिखाऊंगे एक बार जनता, उस पर नज़र टिकी हुई है और जनता ने मन बना लिया है भाई इनको अच्छा सबक सिखाएंगे कि आगे दोबारा राजनीति में कोई ऐसा परिवार ना आए जो लोगों के साथ में धोखा करे, किसान मजदूर के साथ में धोखा करे, उन पे वोट लेके उन पे लाठियां बरसाए। तो आगे सबक सिखाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और इसलिए वोट सीट बन रही है। तो आपने क्या लगा है कि मतलब जिस प्रकार से आप कहने लग रहे हो कि मतलब लोगों में विरोध भी है उस चीज़ का तो लोग अब की बार सबक सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे, लोगों ने मन बना रखा है, हर गांव में जोश है, इनको कहीं बैठने के लिए गांव में जगह नहीं मिल रही, लोग बुला नहीं रहे, ज़बरदस्ती जा रहे हैं, किसी का रात में कुंडा खड़का है, किसी का सवेरे खड़का है, दिन में तो जान जो है कोनी। चेयरमैन साहब अलग से मतलब इनते अलग भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में? हाँ है, बाकी हो कह रहे हैं सारे, कांग्रेस की टिकट मांगिया करते मिली कोनी, बाद में बाकी हो रहे हैं। तो मतलब केला गा आपने जनता बागियान टिकट वो देवेगी ना? जनता मन बना चुकी है, वोट देवेंगे तो निर्दलीय ने देवेंगे, लेकिन ये तो बाकी है सारे, ये बहुत सी साठ गांठ है, धीरे धीरे जनता को पता चलती चली जाओगी। पहले दो राजनीतिक पार्टियों की साठ गांठ थी, अब ये मन बना लिए हैं इन्हें उसका, इन राजनीतिक लोगों ने दो चार सिखा के भी खड़े करे हों तो लोगों ने विचार करना है, सोचना है, देख के विचार करके वोट देंगे। अब की बार किसी के बहकाव में नहीं आओगे लोग। देखो जिस प्रकार से उचाणा की जो टिकट है कांग्रेस की वो बृजेंद्र डूमर खाते दी गई है तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो राजनीतिक घराने थे, अपनी साठ गांठ से टिकट लेके आए हैं, साठ गांठ इनकी दुष्यंत के लिए भी साठ गांठ थी। आप पिछले दो चुनाव देख लो, दस दस साल के, एक बार दुष्यंत चौटाला एमपी बन गए तो ये एमएलए बन गए, ये एमपी बन गए तो वो एमएलए बन गया, इनकी साठ गांठ तो थी, चार चार महीने में क्या अंतर था, के तो इसने विरोध कर दिया था और के इसने फायदा कर दिया था, एक घर का एमपी एक घर का एमएलए, इनकी साठ गांठ थी और राजनीति कांग्रेस में भी टिकट साठ गांठ करके लेके आए हैं ये, कांग्रेस के नहीं तो नौजवान बतेरे थे टिकट की दौड़ में, 20 आदमी थे तो उनमें से किसी ने दे दी, हम भी उनका गले थे,
हमने जरूरत नहीं मता नवान की। हमने इस बात का पहले आगा आभास था भाई इनको तो टिकट मिलनी नहीं और निर्दलीय फिर ये और किसी ने खड़े होने नहीं देंगे। हमने पहले सारे भाइयों से कह रखा था भाई हमें लड़ांगे निर्दलीय चुनाव, आपने टिकट मिला तो आप रहो मैदान में और ना मिले तो हम मारे गला जियो, हम निर्दलीय लड़ांगे। जी मतलब एक बात सामने आ रही है कि सारे निर्दलीय एक हो जाए ना को नहीं हो, अगर जो स्वार्थ में आदमी एक को नहीं हुआ है जो स्वार्थी हमने तो त्याग कर किया था। नौजवान कोई साथी नया होगा तो हम उसके गला त्यार हैं, हम नहीं चुनाव लड़ाएंगे निर्दलीय जो कांग्रेस का नया हुआ तो, आप पुराने घराने आओगे तो हम चुनाव लड़ांगे। ये हम नमन था जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला की पिछली बार आड़े तो भारी जीत हुई थी और अब की बार यहीं से उचाना से नामांकन भरा है तो अब की बार की लग गया। वो तो इनकी साठ गांठ थी भाई, अब की बार आप मेरी मदद कर दियो विजेंद्र सिंह की, हमने तैयारी करी थी पिछली बार, इनका तो यू रुतबा था, बाकी कुछ नहीं है इनका जमानत जब्त होनी है अब की बार। तो आप एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते उचाना की जनता को क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारे भाई नौजवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं सारे साथ में लगे, उचाना में एक बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे और एक नया उचाना बनाएंगे। तो भाई अगर बात करें उचाना हल्के की तो उचाना हल्के में किस प्रकार का बदलाव होगा एक बार? राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ के नाम है? मेरा मेरा कनी है, बड़ा उचाना का हूँ मैं। हाँ मैं काला जीत रहे हैं, जीत रहे तो कृपल्ले घोषणा कर यहाँ जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे हैं, मैं 7 किले सिर तला हूँ, मेरे पे 7 किले हैं, देखो सिर तला दो 7 किले की। हाँ काला जीत रहे हैं। राम जी। राम राम मैडम। थुआ गांव से हूँ जी। हाँ जी थुआ से। थुआ गांव के लोग जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, कंबाइन पे बिठा के लाए हैं जी, आवांगे जी, बदलाव जरूरी है जी इपका जी। हाँ जी भाई दिल आवांगे जी इपका जी। हाँ जी बदलाव करांगे जी, देख लिए जी सारी बात। सब तो नया स्वागत क्यों कर करे कमान पे? ये तो हमारा जमींदार का वो साधन है जी। हाँ स्वागत करे जी, किसाना का संकेत। हाँ हाँ किसाना का।